Hey guys, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ. तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. और मैं आपको ये बताना आज ये वीडियो इस बात के लिए बताने के लिए मैंने बनाया है. मैंने एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक तंदूर ऑर्डर किया है. तो उस तंदूर की खासियत क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो बिजली बहुत कम लेता है. 2 किलोवाट की बिजली लेता है जो कि 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से इसमें इसका खर्चा आता है. ठीक है. और दूसरा, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं? इसमें हम रोटी बना सकते हैं, इसमें हम नान बना सकते हैं, आलू का पराठा और मिक्स पराठा, कोई भी तरीके के पराठे बना सकते हैं. ठीक है. और दूसरा, तंदूरी तंदरोटी, पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा और अपना पनीर टिक्का, तो इस तरीके का कोई भी हम जो भी तंदूर में आइटम बनाते हैं वो सब उसमें बना सकते हैं. इनफैक्ट उन दोनों ये सारी चीज़ हमें बना के दिखाएंगे. और जैसे आजकल ऑयली चीज़ का बहुत रहता है कि भी ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ऑयली चीज़ नहीं खानी चाहिए. तो सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये नॉन स्टिक है जो मैंने ख़रीदा है, मैंने लिया है. तो उस नॉन स्टिक की खासियत उसमें क्या है कि आप उसको बिना ऑयल के, मतलब आप बिना ऑयल लगाए आप इन सब चीज़ों को बना सकते हैं. और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छे बने थे जो उन्होंने बना के हमें दिखाए थे. तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं वीडियो के अंदर. अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे. और इसकी कॉस्ट सुन के आप चौंक जाएंगे. 3,790 रुपये की कॉस्ट है नॉन स्टिक की. अगर नॉर्मल आप लेते हैं तो केवल 3,300 रुपये या 3,400 रुपये के आसपास ही पड़ेगा. ठीक है. तो मैंने तो इसको ऑर्डर कर दिया है, मेरा कुछ दिन में आने वाला है. और जैसे ही आता है मैं आपको उस पर कुछ सेल्फ में बना के दिखाऊंगा और उसकी वीडियो भी आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा. तो पहले देख लेते हैं कि जो मैं देख के आया हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ें बनाई. आप भी इसको एक बार देख लीजिए. ठीक है. तो देखते हैं वीडियो. ऐसे चपाती, तंदूरी रोटी, जवार बाजरे की रोटी, मिक्स रोटी बनाई है, बाटी लट्टे, भाकरी बनाओ इसके अंदर. अभी आपको पनीर क्रिस्पी होगा विद इन 2 मिनट्स. नान बनाओ, पराठे बनाओ, टिक्की बनाओ, कबाब बनाओ. सर्विस कहीं भी दिल्ली में, मैं आपको बताऊँ अगर दिल्ली के बाहर भी अभी करो तो आप तो एकदम खराब कुछ नहीं होता. तभी लैपटॉप वारंटी दे रहा है. अगर 2-3 साल में कुछ खराब होगा तो कनेक्टर देख रहा है, ये बाई चांस अगर कट हो गया है, चल गया, तो कोई भी लोकल इलेक्ट्रिशियन चेंज कर देगा, वरना सर्विस सेंटर से कॉल कर दो. ये स्पॉट वाले पनीर में का फर्क देखिए, स्पॉट एंड जूस ऑपरेटिव का विजन. अरे सर ये बताइए, ये इसकी इसमें वो तो है नहीं. जो बनाओगे दोनों साइड से बनेगा. और अभी तंदूर लेने में साथ में हीटर वाला स्टैंड भी मिल रहा है. इससे मार्बल, गुड़, गिलास कहीं भी रखो, चलाओ तो नहीं चलाओ, खराब लोगों को जलेगा नहीं. और लाइफ टाइम वारंटी है. ये देखिए पराठा, ये बेल के डाल देना, पलटना नहीं है, दोनों साइड से बन जाएगा पराठा. आलू पराठा है, आलू का पराठा. तुम्हें घी लगाना अंदर पहले ही लगा दिया, ऊपर कुछ नहीं लगाना. घी की जरूरत ही नहीं है. अंदर जैसे भी लगाया था ना, ऊपर नहीं लगा. कलौंजी छुपाने के लिए आपको ले लगा, तो वो भी नहीं लगा, वो भी नीचे वाली साइड पे लगा, ऊपर से छुपाने के लिए लगाया. अच्छा, ये यूजफुल है. लोग 15,000 रुपये का मशीन में कुछ ना कर रहे जिसमें बना रहे हैं. सैंडविच मेकर भी देख रहा होगा, 2,000 रुपये का सिर्फ सैंडविच बना के दे रहा है. होम डिलीवरी दे रहे हो. टोकन अमाउंट देकर बुक कराओ, दिल्ली में कहीं भी होम डिलीवरी फ्री है. दिल्ली के बाहर उसका कुछ लेंगे चार्ज आप पूरे चार्ज क्या लोगे आप इसको? 1,000 रुपये देना, बाकी घर पे देना.
एयर फ्राई में भी रोटी पराठे पकौड़े नहीं बनते, और बना हुआ खाना सूख भी जाता है। इसमें यहाँ तो दिल्ली में हमारे पास बच्चा नहीं है पचौवा दिखाने का, वरना नान भी गर्म करके दिखाऊंगा तो सूखेगा नहीं, क्रिस्पी रहेगा। अच्छा हमने रेडीमेड लिया बेस, आप चाहो बेस बना भी सकते हो, इसके अंदर बनेगा भी। घर में कभी पीला बेस ना था, ब्रेड पे लगाओ पीला। ये पराठा डाला था, कॉन्टेक्ट नंबर तो भैया अभी। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, इसमें जो इन्होंने बनाई है सारी चीज़ें, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसी कितना पसंद आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे लिख के आता रहूँगा, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिएगा बेल बटन दबाकर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है अभी भी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछ लीजिए, और मैं उसका आंसर बहुत जल्दी दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।